Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर आप सभी students का Radiant Learning YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ और आप सब students का बहुत बहुत thanks करता हूँ क्योंकि अब हमारी family 10K को क्रॉस कर चुकी है। आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और आपका जो अभिनंदन बैच है उसको आप अच्छे से डेडिकेटली सभी वीडियोस को सभी लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं और हमारा टारगेट इस बार SSC CGL 2023 को क्रैक करना है और इसमें आप सभी स्टूडेंट्स अपना 100% देंगे और हम सभी एजुकेटर भी आप सभी का अच्छे से पूरी हेल्प करेंगे, जितना पॉसिबल होगा उतनी अच्छे से हम हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा बैच जो है वो क्या है, अभिनंदन बैच है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं और ये सभी एजुकेटर हैं जो आपको अच्छे से वन बाय वन सभी लेक्चर दे रहे हैं और हमारी जो टाइमिंग रही है वो कितने से 6 to 10, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, 6 to 10 डेली आपने हमारी क्लासेस को देखना है और बिल्कुल ऑफलाइन के अकॉर्डिंग इस सभी क्लासेस को आपने पढ़ना है। और आप जानते हैं क्योंकि हम इंग्लिश का आज का क्लास है तो इंग्लिश में आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स ने टेंस को पढ़ा था। हमने अभी तक की वीडियोस में 2 टेंस कवर कर लिए हैं, एक पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने बीच बीच में जब वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाए थे तो उसमें एक टॉपिक निकल के आ रहा था क्वेश्चन टैग, बार बार हमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़ रहा था और आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं और वो बहुत आसान भी होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में क्योंकि वो टेंस का ही पार्ट होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन टैग में जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी कंडीशन आज की क्लास में मैं आपको दिखा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग। तो टेंस को आप बेसिक पढ़ने के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक पढ़ने के बाद, हम क्योंकि इसको बोल सकते हैं कि यह भी किसका पार्ट है, टेंस का पार्ट है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन टैग को पूरी डिटेल में सीखेंगे, पूरी डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन टैग की टर्म एंड कंडीशन होती है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन टैग को लिखा जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लें तो अगर मैं लिखूं आपके लिए माई ब्रदर रोट अ लेटर, इस तरह से माई ब्रदर रोट अ लेटर, ये एक सेंटेंस है माई ब्रदर रोट अ लेटर। तो अब इसकी हमें बनानी क्या है, क्वेश्चन टैग बनानी है। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय स्टूडेंट ध्यान रखेंगे हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है और अगर मुझे इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है तो मैं यहां लिखूंगा आप सब लोगों के लिए वोज और वोज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वजेंट, और ब्रदर की रिस्पेक्ट में हम यहां पर क्या ऐड कर देंगे, ही, क्या ऐड कर देंगे, ही। अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए या क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन टैग जो मैंने बनाई है ये सही है या फिर ये गलत है। इस बात का आपको बड़े विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग ये गलत है कि सही है, इस चीज को आप बड़े ध्यान से सीखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन टैग में क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन टैग को पढ़ रहे हो तो इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो लिख लीजिए इसका डेफिनेशन कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, यह एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। बड़े ध्यान से सीखना इस बात को क्योंकि क्वेश्चन टैग किसको बोलते हैं, क्वेश्चन तो बड़े बड़े भी होते हैं पर ध्यान रखना क्वेश्चन टैग बोला जाता है। इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, यह एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, इज पुट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसे सेंटेंस के कहां रखा जाता है, एंड में रखा जाता है, पर किस पर्पज से रखा जाता है स्टूडेंट्स, क्यों क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं, तो ध्यान दे फॉर कंफर्मिंग द सेंटेंस whether it is yes or no,
यस और नो, यानी यस नो को कंफर्म करने के लिए। देखो यह एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसको कहां रखा जाता है? सेंटेंस के एंड में रखा जाता है। किस पर्पज से रखा जाता है स्टूडेंट्स? फॉर कंफर्मिंग द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए वेदर इट इज यस और नो, कि सच में ही यह सेंटेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जो इसमें वर्क बता रहे हैं रोट लिखने का, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जैसे लिखा है माई ब्रदर रोट अ लेटर, मेरे भाई ने लेटर लिखा, क्या नहीं लिखा? हा और ना में। हा और ना में जब हम किसी को भी क्वेश्चन करते हैं, उसका रिप्लाई जानना चाहते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन रखा जाता है जिसको बोला जाता है क्वेश्चन टैग। तो ये मोटिव होता है और ये डेफिनेशन दिया मैंने, क्वेश्चन टैग किसको बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में ही इसको क्या रखा जाता है, क्वेश्चन टैग को। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। जब भी आपके सामने क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है आपका क्वेश्चन टैग कभी गलत नहीं होगा। वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए, कुछ थोड़ी देर का बेसिक होगा, जब वो बेसिक आप समझ पाओगे तो मुझे लगता है बड़े आराम से, बड़ी इजीली आप क्वेश्चन टैग को सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ ध्यान रखें टिप्स जो आपको फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहला टिप्स क्या होता है क्वेश्चन टैग के लिए, ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर आपका सेंटेंस कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, अगर सेंटेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा द क्वेश्चन टैग, तो फिर क्या होता है, जो ये क्वेश्चन टैग हम लिखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे वॉज नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, वजेंट ही लिखा। नेगेटिव लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज किया जाता है, हमेशा नेगेटिव यूज किया जाता है। तो यह पहला स्टेप हो गया हमारे लिए। सेकेंड स्टेप देखो, अब सेकेंड स्टेप इसका ऑपोजिट हो सकता है, पर मैं फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, कि इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसी बनेगी, सॉरी पॉजिटिव बनेगी। उल्टा चलना है आपको, उल्टा चलना है, तो क्या करेंगे, अगर सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उसमें नॉट लगा हुआ है, उसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो नेगेटिव है, तो अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसी बनती है हमारी, पॉजिटिव बनती है। यह विशेष ध्यान रखें कि सेंटेंस का पॉजिटिव होना क्वेश्चन टैग कैसा बनाएगा, नेगेटिव, और सेंटेंस का नेगेटिव होना क्वेश्चन टैग कैसा बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो नोट लगाने की फिर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखें, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। फिर थर्ड नंबर पे क्या पॉइंट है हमारे पास, देखिए अब क्या है कि ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स, हमेशा क्या यूज करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म्स and a subjective pronoun। नाउन नहीं लगाना है, यह बात ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स। कभी आप राहुल का राहुल लिख दें क्वेश्चन टैग में, ऐसा गलत हो जाएगा। नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेम लाइन, तो नाउन नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। तो पर्सन प्लेस थिंग को नाउन बोलते हैं, उसी के प्लेस पे हमें क्या यूज कर लेना है, प्रोनाउन यूज करना है। और प्रोनाउन का भी कौन सा केस यूज करना है, सब्जेक्टिव यूज करना है। राहुल के लिए ही लिख सकते हो पर हिम नहीं लिख सकते आप, किसी गर्ल के लिए शी लिख सकते हो पर उसके लिए हर नहीं लिखना है। तो ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब इज नॉट है तो क्या लिखोगे, इजेंट, आर नॉट है तो क्या लिखोगे, आरंट, डू नॉट है तो डोंट, डिड नॉट है तो डिडंट, यानी हमेशा क्या यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। एंड अ सब्जेक्टिव
प्रोनाउन, और हमेशा क्या यूज करना है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है आपको। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है जब जब क्वेश्चन टैग बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट क्या है इसका। लास्ट पॉइंट ये है द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग, एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम। कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? टेंस सेम होना चाहिए। और यहां हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोगों को लगता है क्वेश्चन टैग में सेंस सेम होना चाहिए। डियर ध्यान रखना, सेंस नहीं, टेंस सेम होना चाहिए। आप लोग सेंस अच्छी बनाते हो और सेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाते हो जो कि गलत होता है। तो जो सेंटेंस के अंदर हम टेंस यूज कर रहे हैं और जो हम क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हैं उसको हमेशा बैलेंस में रखना है। जो सेंटेंस के अंदर टेंस है वही टेंस किसके अंदर बनाना पड़ता है? क्वेश्चन टैग के अंदर। सेंस नहीं, टेंस सेम होना चाहिए। अब बच्चे कह रहे सर हमें तो टेंस आते नहीं है, अभी हमें तो सारे टेंस अच्छे से क्लियर नहीं है, तो क्या हम क्वेश्चन टैग बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाओगे। मैं आपका बेसिक यूज करते हुए भी आपसे क्वेश्चन टैग बनवा सकता हूं। ध्यान रखना होगा कुछ कुछ बातें जो मेरी होगी उसको ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे जो जो बातें हम बताएंगे आपको। आप देखो टेंस को सेम करना है और टेंस को सेम कैसे करना है वही मुझे आपको सिखाना है। देखो पॉइंट्स तो ये फोर ही है, होते हैं क्वेश्चन टैग को बनाने के, पर इनमें क्लैरिटी होना जरूरी है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट वीक हो, तो इसीलिए इसका पॉइंट स्ट्रॉन्ग करना है आपको। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो क्या बनाते हैं क्वेश्चन टैग? नेगेटिव। और अगर हमारे सेंटेंस को पहले से हम नेगेटिव देख रहे हैं तो क्वेश्चन टैग कैसी बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। और ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स, हमेशा ध्यान रखिए इज नॉट का इजेंट लगाना है, इज नॉट से काम नहीं चलने वाला। फिर अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, नाउन नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। और प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो इन बातों का मुझे लगता है अब अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी क्वेश्चन टैग कभी भी गलत नहीं होगी। अब हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। देखो जैसे हमारे सामने सेंटेंस ये था और हम देखते हैं गलत है कि सही है। देखो माई ब्रदर रोट अ लेटर, माई ब्रदर रोट अ लेटर, वॉजेंट ही लिखा हुआ है यहां पे। अब देखो यहां पे देखो तो रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो पास्ट इंडेफिनेट बोलते थे सेकेंड फॉर्म को, पास्ट इंडेफिनेट। रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे? डिड यूज करते थे डियर, इसमें वॉज का कोई रोल नहीं होता। तो हमें चाहिए टेंस सेम, और सेंस करने के लिए टेंस को सेम करने के लिए वॉज से काम नहीं चलेगा, हमें सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। और सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर दोगे? डिडेंट। और आप देखो, देखो यहां ब्रदर लिखा है और ब्रदर की रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे? ही, हिम नहीं लिखना, सब्जेक्टिव चाहिए तो क्या लिखा जाएगा? ही। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिडेंट ही। इस बातों का ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आसान भी है और कुछ चीजों को ध्यान भी रखना है आपने। और देखो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो अगर आप गलत करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक एक नंबर को, एक एक मार्क्स को सेव करना है। उसके लिए सब बेसिक जो बारीक है वो आपको बड़े ध्यान से सीख लेना चाहिए। तो ध्यान दे, रोट का वोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिडेंट लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखो अब ये जो चार पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, अब इसमें क्लैरिटी लाने के लिए आपको दिखाना होगा कुछ बेसिक बातें जो आप ध्यान रखोगे। अब देखो हमारे पॉइंट कौन कौन से बने, हमने पहला पढ़ लिया पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना। ये मुझे लगता है बड़े आराम से आप सीख पाओगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस ये देख लोगे ना सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग क्या बना लोगे? क्वेश्चन टैग। लेकिन जब आपके सामने क्या आएगा, जब आपके सामने आएगा कि ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मुझे लगता है आपको आती है, आप बड़े आराम से बना लोगे। लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी हो सकती है जहां पे आप स्ट्रगल करोगे, उस पॉइंट को मैं आपका बिल्कुल अब क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे क्लैरिटी लानी है और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन बना के, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं अब। जैसे देखिए ये मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, दो क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो कैसे बनाना है। एक में लिखा है राहुल एंड रमन
Rahul and Raman are watching television. ठीक है dear, television. अब ये ध्यान रखिए ना कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे क्लियर होंगे. ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. ये जो चार बातें लिखी हैं मैंने आपके लिए, ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट का, जो कि मुझे लगता है जब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसके बाद कैसी भी क्वेश्चन टैग आई है बड़े आराम से बना पाओगे. देखो मुझे इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा. अब मैं देखूंगा कि यहां पर आर लगा हुआ है तो मैं इस आर का यूज कर सकता हूं क्योंकि मुझे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है यहां पे. तो मैं इसकी क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो मुझे आर का क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे आर. और आर क्योंकि ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आरेंट. और यहां पे देखो सब्जेक्ट कौन है, राहुल एंड रमन. तो ये एक है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा. और एक से ज्यादा के लिए ना तो ही लिखा जा सकता है ना शी लिखा जा सकता है, इनके लिए लिखा जाता है दे. तो इसका सब्जेक्ट क्या लिखना पड़ेगा हमें, दे. आप ध्यान दे तो क्या हो गया, राहुल एंड रमन आर वॉचिंग टेलीविजन, आरेंट, दे लगाना पड़ेगा आपको. हेल्पिंग वर्ब सेम लिख दी और उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई आर नोट का, क्या लिख दिया हमने, आरेंट लिख दिया. इस तरह से चलना पड़ेगा आपको. एक और क्वेश्चन लिखते हैं, दिस बुक इज वेरी कॉस्टली. दिस बुक इज वेरी कॉस्टली. अब इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो जरा ध्यान से. आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, मैं कुछ क्वेश्चन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा. तो देखो दिस बुक इज वेरी कॉस्टली लिखा हुआ है तो यहां पे इज लगा हुआ है. तो क्या मैं इस की हेल्प से क्वेश्चन टैग बना लूंगा, बिल्कुल बना लूंगा. पॉजिटिव है तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इजेंट, शॉर्ट फॉर्म बनाते हुए. और बुक की रिस्पेक्ट में बताओ क्या लिखोगे, ही लिखोगे, शी लिखोगे कि इट लिखोगे. तो बच्चे कह रहे हैं सर इट लिखेंगे क्योंकि बुक क्या होती है, नॉन लिविंग. और नॉन लिविंग के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, इट. तो बन गया क्वेश्चन, इजेंट इट. इस तरह से बनाएंगे इसकी क्वेश्चन टैग. तो दिस बुक, बुक की रिस्पेक्ट में क्या लगा दिया मैंने, इट. और इज का नेगेटिव बना दिया, इजेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ बार, कई बार तो आप देखोगे ना कि हेल्पिंग वर्ब के हेल्प लेते हुए आप क्वेश्चन टैग बना पाओगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको. लेकिन कुछ वर्ड्स में मुझे लगता है स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं. जैसे देखिए, अगर मैं आपको लिखता हूं आपके लिए सेंटेंस की आई शेल इनवाइट, बड़े ध्यान से देखना, आई शेल इनवाइट ऑल द गेस्ट्स, मैं सभी गेस्ट्स को इनवाइट करूंगा. इसका सेंस ये बनता है, मुझे इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है. अब सोचो जरा कि आप तो शेल को देखते हुए क्वेश्चन टैग बना दोगे, लेकिन शेल का शॉर्ट फॉर्म भी तो आना चाहिए आपको, कि शेल का शॉर्ट फॉर्म लिखोगे क्या. अब शेल का शॉर्ट फॉर्म जब एग्जाम में देखते हैं तो क्या लिखा मिल जाता है हमें, शेल से बन जाता है शेलेंट. क्या बन जाता है, शेलेंट. और आई का क्या लिखा जाएगा, आई. एक तो ये लिखा मिल सकता है, एक हो सकता है विलेंट लिखा मिल जाए आपको, विलेंट इस तरह से. आई, क्या ये होगा इसका आंसर. हो सकता है आपको क्या लिखा मिल जाए, एम से एमेंट हो जाए, तो क्या ये इसका आंसर होगा. या फिर आप लिखेंगे एस एच ए एन और क्या बन जाएगा, शेंट आई. तो स्टूडेंट्स बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो. पर मैं इसका आंसर बताऊं तो आप ध्यान दे, इसका आंसर होगा शेंट. इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, शेंट. यानी शेल से कभी भी क्या नहीं बनेगा, शेलेंट नहीं बनेगा. और शेल का बनता है शेंट. तो इसका मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कईयों को ना पता हो. तो जब भी आप देखोगे क्वेश्चन टैग, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है. और वो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है वो सारी मैं आपके सामने लिखता हूं, और उसका क्या मेथड होता है बनाने का. जब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा. तो ध्यान दे, मैं सबके बारे में लिख रहा हूं. जैसे मुझे लिखना है इज नॉट. तो माय डियर स्टूडेंट, इज नॉट को जब भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ना, तो एक बेसिक सा तरीका होता है बनाने का. वो बेसिक तरीका क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को ऐसे सेम लिख दो इज का इज, और इसके अंदर एन लगा दो, तो और ऊपर अपोस्ट्रोफे वाला आप कॉमा ऐड कर दीजिए, अपोस्ट्रोफे और टी लगा दीजिए, तो बन जाता है इजेंट. इस तरह से शॉर्ट, यानी एन लगाना पड़ता है आपको शॉर्ट फॉर्म बनाते समय. ऐसे ही आप आर नोट का बनाना चाहते हैं तो बड़ा आसानी से बना पाएंगे. आर नोट का कैसे बनाया जाएगा, R का R लिखेंगे, N को ऐड कर देंगे, अपोस्ट्रोफे वाला कॉमा लगा देंगे और क्या लगा देंगे, T, तो बन जाएगा आरेंट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बनाना है M नोट का. अब जैसे मैं M नोट का कहूंगा ना, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि M नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है. हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, किस बच्चों को हो सकता है ना पता हो. तो ध्यान दे, M नोट का शॉर्ट फॉर्म
आपने देखो अगर ऐसा दिखाया कि M को मैं एक नॉर्मल तरीके से बनाऊं तो मुझे क्या बनाना चाहिए, एमेंट। गलत होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। M नॉट का एमेंट लिखना तो बिल्कुल गलत है, ये तो आप लोग कभी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो एक ऑप्शन बनता है कि जैसे आर नोट का बनाते हैं ना, ऐसे ही इसका भी बनाया जाता है आरंट। यानी कह सकते हैं एम नोट और आर नोट की शॉर्ट फॉर्म एक ही मान ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आर नोट का आरंट होता है, ऐसे ही एम नोट का भी क्या लिखा जाता है, आरंट लिखा जाता है। लेकिन हो सकता है कुछ बुक्स में आपने पढ़ाओ इंट लिखा होता है, इंट पढ़ते समय बोलते समय कभी ना कभी आपने एम नोट को क्या बोल दिया होगा, इंट, या देखा होगा कि क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। तो ध्यान दे आप आरंट और इंट, हालांकि ये दोनों ही क्या मानी जाती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मानी जाती है और बिल्कुल सही भी है। ऐसा नहीं है कि एम नोट को इंट नहीं बोला जाता, हम बोलते भी हैं इसको, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहां पे अब आप बात आती है कि दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी अगर दोनों ऑप्शन में दिखे हैं। तो ध्यान देना जो आपका एग्जाम होगा वो होगा ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो तरह की इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है और एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है। तो जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना उसमें क्या होता है, एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या दिखाया जाता है, एंट, और जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें एम नॉट का क्या लिखा जाता है, आरंट लिखा जाता है। और हमारा एग्जाम कैसे होता है, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कंफ्यूजन होता है हमें, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आरंट होना चाहिए। एमेंट लिखने गलत हो जाएगा, एंट नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना चाहिए आरंट लिखना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन वर्ड है और ये ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो हमेशा ध्यान रखें आपको क्या लिखना चाहिए, हमेशा आरंट लिखना चाहिए जब भी कभी एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना हो आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हो शॉर्ट फॉर्म बनाते समय, तो मैं चाहूंगा कि मैं सारे शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाऊं धीरे धीरे, जहां जहां आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे देखिए, आगे मुझे लिखना है मान लीजिए डू नॉट का, देखो मुझे लिखना है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, मुझे लिखना है डिड नॉट का, डिड नॉट, does not, तो किस तरह से लिखा जाएगा, और लिख सकते हैं will not, shall not, has not, have not, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको बड़े ध्यान से देखो केयरफुली बनाना है आपको, नहीं तो बड़ी जल्दी आपसे गलत हो जाएगा। देखो डू नॉट की क्या करोगे आप लोग, डोंट बना दोगे, एक बेसिक तरीका यूज करोगे। बेसिक तरीका कहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद एन लगाना है आपको। फिर मुझे लिखना है डिड नॉट का, तो मैं डिड का डिड यूज कर लूंगा और उसमें क्या ऐड कर दूंगा, एन, तो क्या बन जाएगा, डिडेंट। मुझे डज नॉट का यूज करना है, तो डज का मैं क्या यूज कर लूंगा, डज, एन लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डजेंट। जैसे ही बात आएगी विल की तो आप बच्चे क्या करने वाले हो, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे करने वाले हैं विल से बनाओगे विलेंट, और जैसे ही बनाओगे गलत हो जाएगा, नहीं सही माना जाएगा। विल नॉट का विलेंट नहीं होता, विलेंट थोड़ी ना है कोई यहां पे जो विलेंट बना दोगे। विल नॉट का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो आप बनाएंगे विन की सेकेंड फॉर्म वॉन, क्या होता है, वॉन्ट होता है। अब बच्चे कह रहे सर वुड नॉट का होता है, तो अरे तो वुड नॉट का वुडेंट बनाएंगे, विल नॉट का वॉन्ट बनाना चाहिए। अब दूसरी बात शेल नॉट का बनाते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं शेल नॉट का, शेल लिखने के बाद एन लगाया शेलेंट बना दिया, गलत है। शेल नॉट का शेलेंट नहीं होता, शेल नॉट का होता है एस एच ए लिखो, एन लगा दो अपोस्ट्रोफी फिर लगा दो टी, तो क्या बन जाता है, शेंट बन जाता है। यही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जरूर आएंगी आपके सामने, क्योंकि देखो जो मैंने चार पॉइंट्स लिखे हैं ना क्वेश्चन टैग बनाने के, पॉइंट वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पॉइंट कोई अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें क्लैरिटी होना चाहिए आपका। उसमें हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है, और वही बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी नजर आएगी, और बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा हो नहीं सकता आपसे क्वेश्चन टैग उसका गलत हो जाए, हमेशा आपका सही माना जाएगा क्वेश्चन टैग जो भी आप बनाओगे। देखो हैज नॉट, अब हैज नॉट का बनाना है आपको, हैज नॉट, तो हैज नॉट का क्या लिखा जाता है, Has not का मैं has लिखने के बाद n लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, hasn't बन जाएगा। Have not का बनाना है तो have not का क्या करेंगे, have का have लिखोगे n लगाओगे तो क्या बन जाएगा, haven't बन जाएगा। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन टैग बनाते रहेंगे। देखो फिर कोई मोडाल ले लेते हैं, जैसे can है,
तो कैन नॉट कैसे बनाते थे, कैन नॉट का कैन नॉट लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको कैन लिखने के बाद आप सीधा टी लगा सकते हो, कांट लिख दोगे। वुड नॉट का कैसे बनाओगे, वुड नॉट, तो वुड नॉट का बनाने का तरीका क्या है हमारे पास, वुड का वुड लिखोगे, एन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वुडेंट। शुड नॉट का बनाना है, शुड नॉट, तो शुड नॉट का बनाने के लिए क्या करते हैं, शुड का शुड लिख देते हैं और आप एन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, शुडेंट बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि कुछ क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब ऐसी हो सकती है जो आपको कंफ्यूज कर दे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो यूज्ड का बनाओ, एक यूज्ड मॉडल होता है, यूज्ड नॉट टू, यूज्ड टू पास्ट के लिए यूज करते थे ना, तो ध्यान रखें इसके अंदर यूज्ड की सेंस होती है, यूज एक तरह का पास्ट का वर्ड होता है, इसीलिए हमें इसकी हेल्पिंग को बनाने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ता है, डिड का और डेड का। डिड का क्या हो जाता है हमारा, डिडेंट हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो कभी भी यूज्ड का बनाना हो तो आप क्या बनाओगे, डिड बनाओगे, डिडेंट बना देंगे इसको। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि यूज नॉट का क्या लिख दिया जाता है, डिडेंट। तो मुझे लगता है ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, मैंने सबका नाम लिख दिया कि कौन कौन सा कैसे कैसे आपको बनाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखूं मैं आपके लिए, I am writing a letter, इस तरह से, ये एक सेंटेंस है, तो मुझे इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है, और ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म किसकी लेंगे, हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन हमें पता है कि एम नॉट का एमेंट नहीं होता है, क्या होता है, आर होता है, तो आर से बनता है आरेंट, और आई प्रोनाउन पहले से है तो आई का क्या लिख दिया जाएगा, आई बन गया इसका क्वेश्चन टैग, इस तरह से बनाना चाहिए आपको, आरेंट आई। अब सोचेंगे आर के साथ आई, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, आरेंट आई लिखा जाएगा इसमें। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको चलना पड़ेगा क्वेश्चन टैग बनाते समय। तो ये आपको मैंने सिखाया कि शॉर्ट फॉर्म किस तरह से तैयार की जाती है। अब स्टूडेंट ध्यान देना, देखो पहला पॉइंट मुझे लगता है क्लियर है आपको, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर हो गया, शॉर्ट फॉर्म को कैसे यूज करना है और सब्जेक्टिव वर्ड लेना है वो आप देख ही रहे हो। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा आपके लिए कि टेंस सेम होना चाहिए, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो कि टेंस को नहीं समझते अच्छे से, तो अगर आप टेंस को अच्छे से नहीं समझते तो किस तरह से मैं इन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूं उसको समझना है। देखो दो रूल हैं, या तो अगर सेंटेंस जो भी आपके सामने आएगा उस सेंटेंस में देखेंगे ना आपको क्या दिखाई देगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, और याद करो मैंने हेल्पिंग वर्ब को बड़े अच्छे से आपको गाइड किया था कि किस तरह से कितनी हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में आती है, वो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में बेसिक आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। नहीं भी सिखाया तो भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो आपको यूज करनी है इसके अंदर, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो। जैसे देखो पहली हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड, फिर आता है इज एम आर, इज एम आर, फिर यूज करते हैं वॉज वर, वॉज वर, फिर आता है हैज, हैव एंड हैड, पास्ट के लिए हैड लगाते थे, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी सारे थे ऑल मॉडल्स, सारे मॉडल्स। कितने मॉडल्स सिखाए थे आपको, 13 मॉडल्स होते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा भी होगा 13 मॉडल्स होते हैं। जैसे विल होता है, शैल यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, मे हो गया, माइट, वुड, शुड, एसेट्रा, इस तरह से 13 मोडल्स को वीडियो पहले भी आपको बताया गया है। तो ये देखो 13 मोडल्स होते हैं, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदल सकती। अगर आप देखोगे सेंटेंस में डू डज डिड लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन टैग में भी क्या लिखोगे, डू डज डिड लिखोगे। अगर इजेमआर लिखा है तो क्वेश्चन टैग में भी क्या लिखा आएगा, इजेमआर आएगा। अगर आप वॉज वर, मोडाल, हैज, हैव, हैड, यानी जोन सी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर लिखी हुई है वही एज इट इज कहां लिख दी जाती है, आप अपने क्वेश्चन टैग में लिखते हो। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपने क्वेश्चन में कैन से बनाया और वहां जाके कुड कर दिया, यह गलत हो जाएगा,
ये अक्सर एग्जाम में ऐसा मिलेगा क्वेश्चन कि हेल्पिंग वर्ब बदली मिलेगी, जो ये मैं बोल रहा था ना टेंस सेम होना चाहिए, तो टेंस सेम का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मुझे बताइए कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे फिर, कुछ सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, जैसे देखो इसमें तो एम लिखा था इससे हेल्प मिल गई, एम का शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है तो आर कर दिया हमने, वॉज वर्ब तो नहीं कर सकते ना, उसको कहेंगे बदलना। अब जैसे लिखा था she has left the job, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ has, तो मैं has को ही तो हेल्प लूंगा ना, मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बदल सकता तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, has लिखना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने की वजह से इसका नेगेटिव बनाने के लिए मुझे एन ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा hasn't, और she का क्या लिख दिया जाएगा she, हर नहीं आना चाहिए ये ध्यान रखें, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो कितना आसान है, अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो बहुत आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए, बहुत आसान है। हाँ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, मान लो किसी वजह से आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लिखी ही नहीं है, इनमें से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो फिर सीधी बात है कि आपको एक सेंटेंस में क्या दिखाई देगी, वर्ब दिखाई देगी, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, कैसी वर्ब दिखाई देगी, मेन वर्ब, और कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में दिखाई देगी, फर्स्ट फॉर्म में या फिर सेकंड फॉर्म में दिखाई देगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट माना जाता है तो उसको किसमें बदल दिया जाता है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब बतानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखवाई थी आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम क्या यूज करते थे, फर्स्ट फॉर्म, और उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर मुझे लिखनी है तो मैं या तो डू लिख सकता हूं या फिर डज लिख सकता हूं, और सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब बताओ जरा क्या होती है, Did, very good. यानी second form की helping verb अगर मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, did लिख सकता हूं। यानी अगर sentence में helping verb लिखी है तो अच्छी बात है और नहीं लिखी तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हम first form को देखेंगे तो doodles लगा देंगे और second form को देखते ही क्या लगा दोगे, did लगा दोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना। और बच्चे कह रहे सर इसको भी थोड़ा और अच्छे से समझा सकते हो क्या, डू और डज कहां लगाएंगे, देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसमें एस एस नहीं है तो डू आना चाहिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देख रहे हो एस या ईएस लगा हुआ है यानी गोज लिखा है, टेक्स लिखा है, एस एस है तो हमेशा क्या लगाना चाहिए, डज, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, एस एस होता है। इस तरह से ध्यान रखना है, यानी इस तरह से हम अपने टेंस के रूल को बैलेंस कर सकते हैं, एक साइड हेल्पिंग वर्ब और एक साइड हमारी वर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को फिर से समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि माई फ्रेंड एंड आई, इस तरह से लिख दिया, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू कॉलेज, इस तरह से मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, तो यहां पे गो की सेकंड फॉर्म क्या लिखी हुई है, वेंट, हमें सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, मैंने बोला कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो उसको यूज करना, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा सा आंसर है ना कि डू डज डिड में से कोई लेना है। अब सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो आप यहां पे क्या ऐड कर देंगे, डिड, और डिड का नेगेटिव क्या हो जाता है, डिडेंट। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा इस सेंटेंस का, माई ब्रदर एंड आई, दोनों मिलकर के हमारे लिए क्या बनाएंगे, कौन सा प्रोनाउन बनाएंगे बताओ जरा स्टूडेंट्स, वी बनाएंगे, दे मत लिखना, दे के अंदर आई नहीं होता है, एक से ज्यादा के लिए दे भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा के लिए वी भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, अगर आई इंक्लूड है उसके अंदर तो आई और अदर पर्सन मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं, वी बनाते हैं, इसीलिए दे नहीं लिखना आपको, आपको लिखना क्या होगा, वी, डिडेंट वी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडेंट वी हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स इन्हीं बातों का ध्यान रखना है अब आपको, और देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं आपके लिए कि माई फ्रेंड सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस लिख दिया मैंने आपके लिए। अब जरा देखो ध्यान से, तो यहां सेलिब्रेट लिखा है लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब में एससीएस लगा है तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसको एससीएस लगा दिया गया है, तो आप ध्यान देना कि अगर वर्ब में एससीएस लगा हुआ है तो डू नहीं आ सकता,
आप क्या लगाओगे उसके अंदर? डज लगाओगे। और यहां पे कौन है? माई फ्रेंड और हिज लगा है, तो इसका मतलब बॉय है वो। और बॉय की रिस्पेक्ट में अगर मुझे प्रोनाउन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ही लिख दिया जाएगा। और ही लिखने की वजह से यहां कौन सी फॉर्म लिखी है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे यहां पे डज लगाना चाहिए, और डज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा, डजंट ही। इस तरह से बनाना है। तो कितनी आसानी से बना पा रहे हैं? देखो, हमें देखना है वर्ब का नंबर। वर्ब का नंबर फर्स्ट है तो डू डज लगाओ, वर्ब का नंबर सेकंड है तो क्या लगा दोगे? डिड लगा दोगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है पहले से तो आप उसी का यूज कर लो ना, अलग से क्यों यूज कर रहे हो? अलग से कुछ मत यूज करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को यूज करना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर से ट्राई करते हैं। यू विल ड्राइव द कार, यू विल ड्राइव द कार। इस तरह से बना दिया हमने। अब देखो जरा, यहां लिखा है विल ड्राइव, तो कोई हेल्पिंग वर्ब है तो बता दो जरा आप। बच्चे कह रहे सर इसमें मोडाल यूज किया गया है विल, तो क्या विल की हेल्प लेंगे? बिल्कुल, अगर हेल्पिंग वर्ब है उसको बदलते नहीं है। आप विल का वुड नहीं कर सकते, मस्ट नहीं कर सकते, एम नहीं कर सकते। आपको अगर विल दिखाई देता है तो आप विल का ही हेल्प लोगे। और विल को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में नॉट के साथ लिखना हो तो विल का विलेंट ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा? वॉन्ट। यही तो याद करना था आपको, वॉन्ट। और अब हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू को हम यू का यू लिख देंगे, क्योंकि नाउन तो है नहीं, पहले से ही प्रोनाउन है वो। कितना आसान है, बड़ी आसानी से बना सकते हो आप। ठीक है, और देख लें क्वेश्चन। जैसे लिखा है गॉड, गॉड इज वन, गॉड इज वन। इसका कैसे बनाएंगे जरा देख लो, गॉड इज वन। अब देखो जरा, गॉड इज वन, कोई हेल्पिंग वर्ब है तो बता दो जरा। बच्चे कह रहे सर इज है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी का यूज करेंगे। और आप इज का नेगेटिव बनाते समय क्या कर देंगे? इजेंट कर देंगे। और गॉड की रिस्पेक्ट में गॉड मत लिख देना, तुम लोग यही गलती करते हो। नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड, नाउन को रिपीट मत करना, प्रोनाउन लेना है। और गॉड का प्रोनाउन हम लिखते हैं इट, और जैसे ही लिखोगे गलत हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है। अरे गॉड के लिए इट कैसे लिख सकते हो? जिसने पूरे संसार को बनाया है तुम उसी को नॉन लिविंग मानोगे क्या? उसके लिए कैसे इट लिख सकते हो आप लोग? फिर बच्चे कह रहे शी लिख दो, क्या गॉड को फीमेल मानोगे तुम? इसका मतलब जब जेंडर क्लियर ना हो तो मेल को प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए यहां पे हमें गॉड की रिस्पेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा? ही लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इजेंट ही लिख दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ना तो इट लिखा जाएगा, ना ही शी लिखा जाएगा, ना ही दे लिखोगे, इसका मतलब एक से ज्यादा गॉड है, पर हम तो एक ही बात कर रहे थे। तो यहां पे इज है तो इज ही लिखा जाएगा, और इज का नेगेटिव मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इजेंट ही लिख दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से देखो ये सारे पॉइंट, मुझे लगता है अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो जो क्वेश्चन टैग के कुछ खास नियम बताए मैंने आपको, कुछ खास रूल बताए। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन टैग बनाते समय इन बातों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म। मुझे लगता है समझ पा रहे हो कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। इज नॉट का इजेंट, विल नॉट का क्या होता है? वॉन्ट, शैल नॉट का शेंट, एम नॉट का आरंट। ओके डियर, एंड अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट को देखते हुए उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर हमने सीखा फोर्थ पॉइंट, द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम। दोनों का टेंस भी तो सेम होना चाहिए। और आप समझ चुके हो मैं टेंस क्या कह रहा था, कि अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है तो या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर सेकेंड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे माई डियर स्टूडेंट्स? डू डज। और सेकेंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे? डिड लिखोगे। उसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सेम लिख दी जाती है, इसी को बोलते हैं टेंस को सेम करना। एक सेंटेंस देखो ध्यान से, एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर से एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखा है some boys were not, some boys were not attending the class,
देखो इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है आपको। तो इसकी क्वेश्चन टैग कैसे बनाई जाएगी, इसकी क्वेश्चन टैग बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बताओ जरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बच्चे कह रहे इस बार तो नेगेटिव है सर। अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो आपको, सॉरी अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब जरा बता दो यहां पे सब्जेक्ट कौन लिखा है, सम बॉयज, और सम बॉयज के लिए अगर मुझे वर्ड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, दे, और दे लिखने के बाद क्वेश्चन बन गया वर दे, वोज मत लिख देना क्योंकि बॉयज तो ज्यादा थे इसके अंदर, इसलिए दे के साथ तो वर ही आएगा। तो वर को हमने वर में बदला, नॉट लगने की वजह से वहां पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना दिया। इस तरह से आपको डील करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये चार बातें ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है बड़े आराम से क्वेश्चन टैग आप बना लोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जितना मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ये, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा आपके लिए तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस लेके आऊंगा क्वेश्चन टैग की। तो हम क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ पॉइंट जो मुझे लगते हैं एक दो और समझाने चाहिए वो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपके लिए वो चैलेंजिंग होंगे। आप 10 कोर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो 7-8 बड़ी आसानी से बन जाएंगे आपके, लेकिन कुछ क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे और वो हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही करते हैं, मुझे लगता है आज इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा, आज इतना करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।